हरिओम आदेश आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तह दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें और माताओं बहनों की इज्जत करें। आज हम आपको एक विशेष तौर पर पर्दाफाश करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग नकली ओघड़ अघोरी तिलक टीका मुंड माला धारण करके और एक दिखावा करके लोगों को मन में भ्रमित भावना पैदा करते हैं, तो उन नकली ओघड़ अघोरियों के लिए मेरी तरफ से खास पेशकश, ध्यान से सुनिए। जब तक ये चीज़ें उस काले कपड़े धारण करने वाले में नहीं है तब तक वो नकली ओगड़ अघोरी है और उसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि असली ओगड़ अघोरी और गुरु पंथ और गुरु मार्ग में चलने वालों की क्या सच्चाई और क्या उसमें ज्ञान होना चाहिए। पहले तो हम आपको इस बात के बारे में बताते हैं कि शिव भोलेनाथ के जब कल्प कल्मांतरों में 5 अवतार हुए थे, ठीक उसी में से एक अघोर नाम का अवतार हुआ था। उस समय से ही ये अघोर मार्ग, अघोर क्रियाएं, अघोर नाम से शिव के नाम का अघोरी ओगड़ लोग जप करते हैं। अब उस समय में जब शिव भोले के 5 अवतार हुए थे तो उस अवतारों के नाम क्या है और अघोर नाम का जो अवतार हुआ था वो कौन से कल्प में और कब हुआ था, वो आप ध्यान से सुनिए। असली ओगड़ अघोरियों के बारे में बता रहा हूँ। अगर इन बातों का उसमें ज्ञान होता है तो ही वो असली अघोरी ओगड़ और अघोर मार्ग वाले व्यक्ति हैं। बाकी तो तिलक टीका लगाकर, मुंडमाला धारण करके, वो दिखावापना करके और आश्रम बनाकर छोटा सा और दुनिया को भ्रमित करने वाले होते हैं, यानी दुकान चलाने वाले होते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप कि वैसे तो सर्वेश्वर शिव का कल्प कल्मांतरों में असंख्य अवतार हुए थे, लेकिन मैं अपनी जहाँ तक मेरे गुरु महाराज ने बताया है मैं वहाँ तक उसका मैं वर्णन करता हूँ। तो ध्यान से आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए और मन लगाकर सुनिए, आपको अघोर मार्ग का सारा पर्दाफाश हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। 19वां कल्प जब आया था तो उस समय श्वेत लोहित नाम से विख्यात था, यानी 19वें कल्प का नाम था श्वेत लोहित। उसमें शिव जी का सद्योजाप्त नामक अवतार हुआ था। 19वें कल्प में श्वेत लोहित नाम से विख्यात था, उस समय में शिव जी का सद्योजात नाम का अवतार हुआ था। उनका प्रथम अवतार सद्योजात नाम के नाम से कहलाता है, जो 19वें कल्प में हुआ था। उस कल्प में जब ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्णमाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ था। इसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। कुमार उत्पन्न हुआ, उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, उस तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्नता पर ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य थे। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा
सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक का पहला अवतार हुआ था। तदनंतर उसके बाद में रक्त नाम से प्रसिद्ध, ध्यान से सुनना मेरी बात को थोड़ा, रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल थे, रंग ही लाल धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए थे। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि यह वामदेव शिव है। ये दूसरा अवतार है वामदेव, जो 20वें कल्प में हुआ था। वामदेव शिव है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके वीरजा विवाह विलोक और विश्वभावन नामक के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ था शिव जी का। इसके बाद 21वां कल्प आया। ध्यान से सुनना मेरी बात को थोड़ा। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पितवासा नाम से कहा जाता है, यानी जो पितवासा नाम से 21वां कल्प जाना जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पित वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसमें उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ था। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर जलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शंकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्यः महादेव धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इसके महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्वभाग से पित वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ था। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पित्तवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प परिवर्तित हुआ था। उसका नाम शिव था। जब एकार्वण की दशा में 1,000 दिव्य वृष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महान तेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। अब ध्यान से सुनना कि अघोर अवतार कब लिया था शिव जी ने। उसी समय से ये अघोर मार्ग शुरू हुआ था। ध्यान से सुनिए। वह अपने तेज से उद्दित हो रहा था। काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महान मनस्वी तेज देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्वभाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महा मनस्वी कुमार उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्तनामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण सिख, कृष्णाश्य और कृष्ण कंठ धृत। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक, ध्यान से सुनना, महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया है। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ था।
तदनंतर ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। यह परम अद्भुत था और विश्व स्वरूप था, विश्व स्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती माता प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर चार सुंदर बालकों की कल्पना की थी। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वह योग्यानुसार सद धर्म का पालन करने योगागत को प्राप्त हो गए थे। यह ईशान नाम का पांचवा अवतार हुआ था। तो सद्योजात आदि अवतार प्रगत संक्षेप से मैंने यह वर्णन किया है। तो इस ध्यान से आप जो अघोर जो मैंने आपको अवतार हुआ था, तो इसके बाद से ही ये अघोर नामक अघोर ओगड़ अघोरी शमशान में ये सारी साधनाएं करते थे। तो पांच अवतारों के